18 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका सेक्शन ए का सॉल्यूशंस मैं करूंगा। पहला नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, पहला नंबर क्वेश्चन में एक बाइनरी ऑप्शन डिफाइन किया गया, ए बाइनरी ऑप्शन बी इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2a। आपको बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 बाइनरी ऑप्शन 5। कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले जो बाइनरी ऑप्शन डिफाइन किया हुआ उसको आप लिख लीजिए। तो मैं लिख देता हूँ गिवेन ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। देयरफोर आपको फाइंड क्या करना है, 3 बाइनरी ऑपरेशन 5। कैसे फाइंड करेंगे? बहुत ही आसान है, ए के प्लेस में आपको 3 रखना है और बी के प्लेस में 5 रखना है। तो यहाँ रखिए 3 × 3 प्लस 5 माइनस 2 इक्वल टू 9 प्लस 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यह होगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का क्वेश्चन है। आपको क्या फाइंड करने बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। इसका वैल्यू फाइंड करना है साइन इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग का जो पढ़े हैं उसका एक ठो प्रॉपर्टी हम लोग को देखना हुआ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में। हम लोग पढ़े हैं कि सर टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का जो वैल्यू होता था ये पाई बाई टू होता था। ये प्रॉपर्टी हम लोग था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में, ये प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये होगा साइन और टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू पाई बाई टू। तो मैं यहाँ रख देता हूँ पाई बाई टू। साइन पाई बाई टू का मतलब हुआ साइन 90 डिग्री और साइन 90 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है 1। तो ये आपका 1 आंसर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये इसमें एक ठो मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करना है और किस ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना, तो ये 2 बाई 3 और उसका एलिमेंट्स आपको दिया गया है ना, एलिमेंट्स ए आई जे इक्वल टू 2i प्लस जे है। तो मैं इसका सॉल्यूशंस में सबसे पहले एक कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं, लेट ए बी एम एनी मैट्रिक्स, उसका एलिमेंट्स है ए आई जे और किस ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना, तो यहाँ लिखा हुआ 2 बाई 3। तो मैं लिख देता हूँ 2 बाई 3। ए मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स होगा ये होगा a11, a12, a13, a21, a22, a23। किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 बाई 3। 2 बाई 3 इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस मैट्रिक्स में आप देखिएगा तो नंबर्स ऑफ रो 2 है एंड नंबर्स ऑफ जो कॉलम है वो कितना 3 है, इसीलिए हम लोग सर ये 2 बाई 3 मैट्रिक्स होगा। इसका एलिमेंट्स दिया गया है, मैं लिखता हूँ गिवेन ए आई जे इक्वल टू 2i प्लस जे। मैं इसको इक्वेशन 1 मानता हूँ। यही जो इक्वेशंस है इसी से हम लोग क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट्स को फाइंड करेंगे। सारा एलिमेंट्स को फाइंड करेंगे मीन्स हमको फाइंड करना a11। कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही आसान है, i के प्लेस में आपको 1 रखना है और j के प्लेस में भी 1 रखना है। तो रखिए 2 × 1 + 1, इसको यदि आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया 3। सेकेंड आपको a12 निकालना है, मैं यहाँ निकालता हूँ a12 बराबर, इसमें कैसे कर निकालेंगे, ए आई के प्लेस में 1 एंड जे के प्लेस में 2। तो यहाँ रखिए आप इक्वेशंस 1 में, ये होगा 2 × 1 + 2, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा। नेक्स्ट हम लोग a13 निकालेंगे तो ये होगा 2 × 1 + 3, इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको देगा 5। नेक्स्ट हम लोग सेकेंड रो का एलिमेंट निकालना चाह रहे हैं। सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है a21, इसमें हम लोग इसी इक्वेशन से निकालेंगे i के प्लेस में 2 एंड j के प्लेस में 1, तो ये होगा 2 × 2 + 1, सॉल्व किया तो 5। फिर हम नेक्स्ट में निकालेंगे a22, इसमें आप पुट कर सकते हैं a2 × 2 + 2, वैल्यू आएगा 6। नेक्स्ट हम लोग a23 निकालना है तो 2 × 2 + 3, तो ये आपका जो वैल्यू आएगा वो 7। कैसे फाइंड करें, बहुत ही आसान है, i के प्लेस में आपको रखना है फर्स्ट, इसमें जो एलिमेंट है i के प्लेस में हम लोग रख दिए 2 एंड j के प्लेस में रख दिए 3। ये सारा जो इस मैट्रिक्स का जितने भी एलिमेंट्स हमको निकालना था वो मैंने निकाल दिया। अब लिखेंगे देयरफॉर ए मैट्रिक्स इक्वल टू, इसका एलिमेंट रखते a11 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 3, इधर हो गया 4 5 एंड सेकेंड रो का एलिमेंट मैंने नीचे निकाला, ये हो गया आपका 5 6 7। किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, a 2 बाई 3। ये आंसर।